अमरोहा। अमरोहा में आया फिर लव जिहाद का मामला। युवती ने लगाया धर्म बदल कर शादी करने का आरोप। प्रेम जाल में फंसा कर नाम बदल कर की थी शादी। युवक कर रहा दूसरी शादी। असम प्रदेश से आई युवती ने एसपी से लगाई गुहार। थाना डिडौली इलाके के रामनगर का रहने वाला है आरोपी। पीड़ित युवती का कहना है 2 लाख रुपए भी लाया है आरोपी। पीड़ित युवती ने कहा जब तक धोखेबाज पति सलाखों के पीछे नहीं जाएगा तब तक वह कहीं नहीं जाएगी। आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूजा साहब, पूजा साहब कहाँ के रहने वाली है? असम से। अच्छा, क्या मामला है आपका, जो क्या समस्या है तुम्हारी? मेरा समस्या ये है, मैं एसपी साहब के यहाँ पर आई हूँ। ये मेरा हस्बैंड है, तो मुझे यहाँ पर पता चला अभी हम लोग मतलब रिलेशनशिप में था, 1 साल से था, और अभी मतलब हम लोग का 3-4 महीना हो गया शादी का। तो उधर से पता चला हमें यहाँ पर इसका शादी है, तो शादी है पता चल, वो मुस्लिम है मुझे पता चला, तो उधर से फोन गया था मेरे पास, वो मुस्लिम है और इधर मैं दूसरा मुस्लिम लड़की के से शादी कर रहा है। तो मैं कल का ही फ्लाइट पकड़ के तुरंत इधर में आया। आने के बाद यहाँ पर मतलब मुझे इधर से धमकी भी दिया जा रहा है, तू इधर में पहुंचेगा तो हम तेरा बहन को तुझे मार डालेंगे और नंगा करके यहाँ पर असम भेजेंगे, ऐसा ऐसा बोला है, बहुत गंदा गंदा बातें भी बोल रहे हैं लोग। तो प्लीज मेरा मुकदमा जाए, और कुछ नहीं चाहती मैं आके, कुछ जानती बानती नहीं हूँ। अच्छा, क्या तुम्हारी शादी हो गई थी? हाँ, शादी हो गया, मेरे पास सब कुछ है। क्या बोल के शादी किया उसने? हिंदू बोल के शादी किया। क्या नाम बताया था? राकेश। और अब क्या नाम है पता चला उसका? एक तो असीम बुलाती हूँ और एक बसीम भी बुलाती हूँ, एक बसीम नाम है, एक असीम नाम है, मतलब 3-3 नाम बोला है। तो तुम्हारे साथ धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी हुई है, और मेरे से पैसा भी लाता है, और जब घर से भाग के आया तो पैसा 2 लाख रुपया भी लेके आया, भाग के इधर में आया, गाड़ी वगैरह खरीद किया यहाँ पर आके। क्या कहा उसने? बस यहाँ पर बोला हंगामा चल रहा है, मेरा माँ का बीमार चल रहा है, माँ का हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, इसका माँ बोले एनी टाइम हार्ट का पेशेंट है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको तुरंत आना पड़ता है, इसका माँ का बहाने से आ जाता है ये। अगर तुम्हारे साथ में इसका माँ भी मेरे से बात करता है, फैमिली वाला सब मुझसे बातें करता है, मुझसे मेरे साथ मतलब पूरा धोखे में रखा मुझे इन लोग ने। अब तुम्हें ये भी नहीं पता है ससुराल कहाँ है आपकी? मुझे ये भी पता नहीं इसका एड्रेस कहाँ है, फिर भी मैं मदद ले लेके, भाई लोग का मदद ले लेके यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ यहाँ तक आके। अब क्या कहना चाहोगे तुम? मैं ये कहना चाहती हूँ सर, इसको लाए और इसको सजा जल्दी के जल्दी सजा इसको मिले, बस। और किसी लड़की के साथ मेरे साथ जैसा धोखाबाजी किया, और किसी लड़की के साथ ऐसा धोखाबाजी ना हो, बस वही चाहती हूँ। अगर तुम अभी जब तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो क्या अगला कदम? हम नहीं जाएंगे, हम इसका घर में ही जाके दम तोड़ देंगे, और कुछ नहीं, हमें इसको सजा चाहिए, इसको नहीं तो मैं यहाँ सुसाइड करके जाऊंगी, नहीं तो मेरा बॉडी जाएगा असम तक, बस वही है। कप्तान महोदय से मिली, क्या कप्तान साहब ने क्या बात पसंद किया? सर ने मतलब सर तो अच्छा बोला आप थाने पे पहुंच जाओ, उधर में हमने बात करके दिया तो आप तुरंत उधर चली जाओ, तो सर ने बात करके दिया, सर अच्छे ही बातें किया।